ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਦੱਬੋ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫੈਨ ਚੈਨਲ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਆਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ 6510 ਕੀ। ਜੋ ਇਸਕੇ ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਹੈ ਵੋ ਹੈ 750/16 ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਰੇਅਰ ਟਾਇਰ ਹੈ ਇਸਕੇ ਵੋ ਹੈ 16/9/30 ਕੇ। ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ 16/9/30 ਕੇ ਇਸਕੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸਕੇ ਇੰਜਨ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਲਗਾ ਹੈ ਜੋ 65 HP ਹਮੇ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਸਕਾ ਇੰਜਨ RPM ਹੈ ਰੇਟਡ RPM ਵੋ 2200 ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਜੋ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਆ ਵੋ ਇਸਕਾ ਡਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਫਟ ਕੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤੋ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੈਕ ਦੀਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪ ਲਿਫਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੋ ਬਢਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਹੈਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਵਾਲੀ। ਸਟੇਟ ਐਕਸਲ ਦੀ ਗਏ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਐਕਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਲ ਸੀਰੀਜ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ ਆਤੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸਭੀ ਅੰਦਰ ਆਪਕੋ ਸਟੇਟ ਐਕਸਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਡਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟਰੀ ਪੰਪ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੋ ਰੋਟਰੀ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸਕਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹ ਕਮ ਲਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇਨ ਲਾਈਨ ਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕਮ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 65 HP ਮੇ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਗੇ ये आगे वेट के लिए आप एक्स्ट्रा वेट डाल सकते हो इसके अंदर। फ्रंट से देखिए ये 6510 लाइटें बहुत सुंदर दी गई हैं, शायद इसको आई कैट बोलते हैं, कैट लाइट्स। एक्सल सीरीज है वो पूरी काफ़ी अच्छी सीरीज है। अगर 6010 की बात करूँ मैं वो भी अच्छा है और 6510 ये भी अच्छा है। फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है इसका बिल्कुल, ये ड्राई एलिगेटर दिया गया है और इसके पीछे इंटरकूलर सिस्टम लगा हुआ है। और अगर मैं इसकी गियर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स स्पीड्स मिल जाएंगी इसके अंदर। और जो इसका PTO है वो रिवर्सिबल PTO है, इसका सीधा भी चलता है और बैक भी चलता है। और इसकी जो डीजल की कैपेसिटी है टैंक की वो 60 लीटर है। और इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा डीजल टैंक मिल जाएगा अगर आपको लेना है तो, वो नीचे मिल जाता है जहाँ से इसको ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वहाँ नीचे आपको डीजल टैंक मिल जाएगा। और टोटल वेट है जो 26 क्विंटल 30 kg इसका टोटल वेट है। और काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर लगा मुझे ये। ये शटल क्लच दिया गया है इसके अंदर, ये आप मीटर देखिए काफ़ी स्टाइलिश और सुंदर दिए गए हैं। इसका शटल क्लच का यही फ़ायदा है कि आप किसी भी गियर में रिवर्स कर सकते हो और फॉरवर्ड सिर्फ एक इसके माध्यम से, और कुछ नहीं करना आपको। जिसी गियर में आगे जा रहा है उसी में ये पीछे चला जाएगा। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर बनाया है, कम्फर्टेबल है। इसका प्राइस तकरीबन कोई 10 लाख के आसपास होगा। ये 4 गियर है, ये 3 स्पीड के अंदर आता है, सॉरी 4 स्पीड। वैसे टोटल इसकी 12 फॉरवर्ड है और 12 रिवर्स है। ये लिफ्ट के बटन दिया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का दिया गया लीवर, और ये कनोपी दी गई है जो इसके साथ फाइबर की आती है।